बहुत साथी लोग हैं, अब की भी सैदपुर के जो हमारे समाजवादी पार्टी के लोग हैं, मताएं बाने हैं, हम अनुरोध करेंगे कि जो सैदपुर में उनको 2,500 कम पाते हैं पाए हैं, अब की हम लीड कर जाएं साथियों। वो आपकी ताकत है, आप हमें लीड करा सकते हैं साथियों। यह चुनाव संविधान बचाने का है, यह चुनाव लोकतंत्र बचाने का है। अगर साथी हम लोग चूक गए तो शायद दोबारा मतदान न हो। इसलिए आप सभी से करवट प्रार्थना है कि आप लोगों ने अपने सबसे कम रद विधायक, अपने दिल के कलेजे टुकड़े को हमें सही जरूर जिताया था। हम अनुरोध करते हैं बड़े भाई अफजाल साहब को, आप लोग कम से कम 50,000 ज्यादा वोट जिताने का काम करें। इन्हीं के साथ हम एक अपील और करना चाहेंगे, विशेष दलित भाइयों से। ये समय आ गया है वोट बटने न पाए। दलित भाइयों, अगर वोट बट गया तो हम फिर 50-60 साल पहले गुलामी थे, उसी गुलामी की जंजीर पहुंच जाएंगे। इस आपसे प्रार्थना है कि कहीं वोट भागी न पाए, एकजुट होकर के आप साइकिल बटन पर एक जून को साइकिल पटन दबा करके भारी मतों से विजय बनाने का काम करें और शायद पूरे जिले में सांसद जी महसूस करें कि सैदपुर जनता हमें सबसे ज्यादा वोट जिताने का काम किए। धन्यवाद साथियों, जय भीम, जय समाजवाद। बहुत अच्छा आपका था। और ओम प्रकाश भारती जी और हम लोगों के अलायंस के गठबंधन माननीय आदरणीय अफजाल अंसारी जी, मेरे प्यारे भाइयों, नौजवान साथियों, आज ये चुनाव जो होने जा रहा है, ये भारत नहीं दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया के सबसे बड़े संविधान को बचाने के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है। मैं आप सबसे ये कहना चाह रहा हूं कि ब्रिगेडियर उस्मान के परिवार से और मुख्तार अंसारी जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मैं ऐसे परिवार को आपके बीच में जो परिचय का मोहताज नहीं है, जिन्होंने पूर्वांचल में ही नहीं लगभग अगल बगल के जनपदों में लोगों को अपना अधिकार बताया, लोगों को बैठना सिखाया, लोगों को बोलना सिखाया, लोगों को अपने अधिकार को लेना सिखाया, वैसे परिवार से एक ऐसे व्यक्तित्व को अलायंस के माध्यम से, इंडिया गठबंधन के माध्यम से प्रत्याशी बनाया गया है हमारे सांसद अफजाल अंसारी जी को। मैं थोड़ा सा प्रकाश 2-3 मिनट आपका लूंगा। माननीय बुद्ध जो है कहे थे, बुद्ध तीन मिशन को लेकर चले थे, बुद्धि, साहस, करुणा। हमारे जननायक माननीय राहुल गांधी जी इन तीन मिशन को लेकर चले हैं। उन्होंने बुद्धि का यूज किया और साहस का यूज करके बुद्ध की ही तरह पैदल चल करके कन्याकुमारी से जम्मू तक, मणिपुर से पश्चिम तक उन्होंने चला और चल करके आप सबके बीच में गए, लाखों लोगों से मिले, लाखों लोगों से मिल करके आप सबकी बातों को उन्होंने देखा, समझा और आप लोगों के ही विचारों का, आप लोगों के ही मांगों को हमारे अलायंस के माध्यम से हमारे आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी ने मैनिफेस्टो तैयार किया। हम आप सबसे यही कहना चाहते हैं और विशेषकर अपने सांसद महोदय जी से ये कहना चाहता हूं कि वो मैनिफेस्टो, वो चुनावी घोषणा पत्र अलायंस का और हमारे कांग्रेस का जन जन तक जो है हर परिवार में पहुंचाना चाहिए। ये हमारा आपसे निवेदन है।
दूसरी चीज मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि समय अभाव के कारण हम पूरी बातों को नहीं रख पा रहे हैं और सारी बातों पर प्रकाश हमारे आदरणीय अफजाल अंसारी जी हमारे जो सांसद हैं वो रखेंगे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धा।